चिल्ड्रन, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, क्लास 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हो जो इस साल यानी कि 2022-23 वाले सेशन में जा रहे हो एग्जाम देने, तो आपके लिए कुछ चेंजेस निकल के आए हैं। पहला चेंज ये है कि अब मिनिमम हर सब्जेक्ट के अंदर 20% इंटरनल जो असेसमेंट के मार्क्स हैं लगेंगे। जो अनुराग त्रिपाठी जी हैं उन्होंने ये वाली बात कही है कि जैसे कि कुछ सब्जेक्ट में क्या होता था, इंटरनल असेसमेंट होता ही नहीं था, लगता ही नहीं था, तो अब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहेगा जिसमें इंटरनल असेसमेंट ना लगे। और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट जिसमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलते हैं जो स्कूल देता है, हर स्कूल अपने बच्चे को 20 out of 20, 30 out of 20, 30 out of 30 या 10 out of 10 देता है, तो तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। दूसरी अच्छी चीज़ जो इस बार आपको देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में, वो ये होगी कि इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि तुमको ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपको चॉइस मिलेगी, या तो ये करो या ये करो। और इसकी हमें पूरी बात तब पता चलेगी जब सीबीएसई फाइनली ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज करेगी। इसके अलावा इस बार से जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रट्टाफिकेशन वाले नहीं रहेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग वाइज रहेंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बुक के पीछे दिए होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, हमने तो फलानी गाइड से पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। चिल्ड्रन, आपको बीच से भी पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं, जो एनसीईआरटी बुक में जो दिए हुए हैं, वो ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। और हम इंग्लिश बाबा चैनल पे आपके लिए पूरे नोट्स लेके आ गए हैं, जो कि आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए। आगे के जो अपडेट्स हैं वो बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेईई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है, तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइनअप करना होगा। उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है, उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बात और अनुराग त्रिपाठी जी ने कही है, वो ये कि जब भी बच्चा क्लास 10th या 12th में आता है तो हमको उसका लेवल पता नहीं होता, बच्चा किस लेवल का है। तो क्लास 3, 5 और 8 में बच्चे का एक असेसमेंट यानी कि एक टेस्ट किया जाएगा और उसका लेवल चेक किया जाएगा, और वो जिस लेवल का बच्चा होगा, ताकि उसके टीचर्स को पता चल जाए कि उसको अब किस तरह से पढ़ाना है। एक चीज़ और है, जैसा कि विदेशों में होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, वहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ उसका बिहेवियर कैसा है, पेरेंट्स के साथ बिहेवियर कैसा है, पेरेंट्स का उसके साथ बिहेवियर कैसा है। तो एक ऐसा रिजल्ट कार्ड आपके लिए लेके आ रही है सीबीएसई, और बहुत जल्दी उसका सैंपल भी निकालेगी। और जो लास्ट अपडेट है वो ये है, वन बोर्ड एग्जाम, यानी कि जैसा कि पिछले एक दो बार से हो रहा था टर्म वन टर्म टू, तो सीबीएसई ये खत्म कर रही है और बस एक ही बार बोर्ड एग्जाम हुआ करेगा जो पहले होता था। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहेंगे। बाय बाय।